नमस्कार, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम नीरज है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इन दोनों ही राज्यों में कुछ सीटें बड़ी दिलचस्प थी, कुछ उम्मीदवार बड़े दिलचस्प थे, जिनके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी लोगों के बीच में। तो उनमें से कुछ सीटों को हमने चुना है और उनके नतीजे आपको बता रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र की सोलापुर सीट का कौन जीता, प्रणिती शिंदे जीती, किसे हराया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाजी फारूक मकबूल को कितने वोटों से, 12,719 वोटों से प्रणिती शिंदे कांग्रेस के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। कांग्रेस ने उन्हें दोबारा सोलापुर सीट से टिकट दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे सोलापुर लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। इससे पहले साल 2004 में उनकी पत्नी यहां से लोकसभा चुनाव हार गई थी। 2009 में सुशील कुमार शिंदे यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन 2014 और 2019 में लगातार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सोलापुर से 3 बार सांसद रहने के बावजूद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था पिछले दोनों चुनावों में। प्रणिती शिंदे अपने विवादास्पद बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती आई हैं। पीएम मोदी के बारे में भी वे विवादास्पद टिप्पणी कर चुकी हैं। उनके खिलाफ सोलापुर में एक मामला भी दर्ज हुआ था। इस चुनाव में प्रणिती शिंदे के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। 21 सितंबर को प्रणिती शिंदे की पार्टी कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को मेकअप किट बांटे थे। मेकअप किट पर प्रणिती की फोटो थी, इसके साथ एक पत्र भी था, चिट्ठी भी थी, जिसमें चुनाव के दौरान समर्थन करने का आग्रह था। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया था। इसी साल अगस्त में कोर्ट ने प्रणिती शिंदे के खिलाफ वारंट जारी किया था। पालक मंत्री विजय कुमार देशमुख की अध्यक्षता में 2 जनवरी 2018 को सोलापुर जिला अधिकारी कार्यालय में जिला नियोजन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान ही विधायक प्रणिती शिंदे अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंची और प्रदर्शन करने लगी। उन्हें रोकने के प्रयास में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई थी। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस घटना के बाद प्रणिती शिंदे समेत 9 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में अड़चन पैदा करने का केस दर्ज किया गया था। सुशील कुमार शिंदे जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, वो अपनी बेटी के लिए प्रचार कर रहे थे, तो प्रचार सफल रहा, प्रणिती शिंदे जीत गई। ये वीडियो यहीं तक। मेरा नाम नीरज है। इस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथ में मेरे साथी राशिद थे। दी लल्लन टॉप अड्डा लग रहा है 1, 2, 3 नवंबर को दिल्ली में IGNCA में। डेट नोट कर लीजिए, एंट्री फ्री है। आइए मिलते हैं, बातचीत करते हैं। शुक्रिया। तुम मुझे टैलेंट दो, मैं तुम्हें मंच दूंगा। लल्लन टॉप अड्डे का मंच, मंच जिस पर खड़े होकर तुम गाना गा सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हो, कविता सुना सकते हो। लल्लन टॉप अड्डा, जहां तुम पेंटिंग कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी कलाकारी को आसमान पर पहुंचा दे। साथ में जीत सकते हो मौके पर लाखों के इनाम। तो फिर आइए लल्लन टॉप अड्डे पर, दिखाइए अपने हुनर का कमाल। लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में।